RVSM 1135 सोयाबीन वेराइटी पककर तैयार लगभग 96 दिन में। इस प्रकार इसका दाना दिखाई देता है, कुछ इस तरह देख सकते हो वीडियो के माध्यम से। जो 25 जून को बुआई की गई थी, इसका अकेला पौधा कुछ इस तरह मजबूत होता है और इसके अंदर फलियों की संख्या कुछ इस तरह दिखाई देती है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर फलियां दिखाई देती है। इस पौधे को देखने से लगता है कि कुछ हाँ वैरायटी में दम है। वैरायटी कैसी लगी आपको, साथ कमेंट भी कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और दूसरे किसान मित्रों को शेयर भी कीजिए। हाँ, और पास बने घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। सारे पौधे देखिए, लगभग खेत के एक आध पौधे नहीं, लगभग ऐसी कंडीशन में सोयाबीन वैरायटी दिखाई दे रही है। इस वैरायटी की सबसे बड़ी खासियत यह है किसान साथियों की, इस वैरायटी के बीज अंकुरण क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यानी कि इसके अंदर लगभग 100% ही अंकुरण क्षमता है। यानी कि इसके 100 दानों को अगर हम बोते हैं तो 95 दाने तो इसके उगते ही उगते हैं। उस हिसाब से हम किसान साथियों इसकी बिजाई करते समय हमें काफ़ी हद तक इसके अंदर इसके बीज को कम बोना चाहिए। यानी कि इसके बीज को हमें 14-15 किलो बीघा से ज़्यादा तो डालना ही नहीं है। इससे ज़्यादा अगर आप डालोगे तो इसके उत्पादन को आप इस तरह नहीं ले पाओगे। आप देख सकते हो कि मैंने मेरे प्लाट पे किस तरह इसके पौधे दिखाई दे रहे हैं। इस वैरायटी को मैंने 13 और 14 किलो के अंदर ही इस बीज को डाला है। उसी हिसाब से इसके अंदर इस प्रकार की फलियां लगी है। कुछ किसान साथी कहते हैं कि ये वैरायटी फेल है, धस जाती है, ज़मीन पर सो जाती है, लेकिन इसके बीज दर के ऊपर सारा खेल है। देखिए, आप जहाँ पर इसके पौधे ज़्यादा पास पास है वहाँ पर ये पतले गोल पौधे रह जाते हैं। सर, इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार है। ये बहुत ही ज़्यादा रोग प्रतिरोधी किस्म है। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि इस वैरायटी को लगभग 25 दिन तो पहले बारिश हुई नहीं, और उसके बाद इतनी बारिश हुई कि बहुत ही ज़्यादा बारिश, यानी कि इसकी जो जड़ प्रणाली होती है इस पौधों की वो काफ़ी मजबूत होती है। RVSM 1135 की इसका जो जड़ तंत्र होता है काफ़ी मजबूत होता है। उस कारण इस ये वैरायटी क्या है कि बहुत ज़्यादा सूखे और बहुत ज़्यादा बारिश दोनों को अच्छा कवर करती है, और दोनों ही स्थिति इस वर्ष 2023 में दोनों ही स्थिति बनी। पहले तो पौधों इन सोयाबीन वैरायटी को पानी ही नहीं मिला, 25 दिन तक बारिश ही नहीं हुई, उसके बाद इतनी बारिश हुई बहुत ज़्यादा। उसके बाद भी आप देख सकते हो कि इस कंडीशन में मेरे खेत पर, मेरे प्लाट पर RVSM 1135 सोयाबीन वैरायटी पौधों को अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने कितनी दूरी पे इनको लगाया है। काफ़ी दूरी पर पौधे दिखाई दे रहे हैं, बीच में काफ़ी गैप है। यानी कि मैंने इसमें बीज दर कम किया, उसी के कारण इसके अंदर इतनी फलियाँ और प्लाट कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। इसका मेरा व्यक्तिगत अगर राय मानो तो मैंने इसका उत्पादन 7 क्विंटल से भी ऊपर ले लिया है, क्योंकि इस वैरायटी में बहुत ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता पाई जाती है। और इसमें फलियाँ जो सूख जाती है उसके बाद अगर इनकी कटाई में अगर देर होती है तो ये फलियाँ चिटकने की समस्या आती है दूसरी वैरायटी। ये वैरायटी में RVSM 1135 जो वैरायटी है इसके अंदर ये जो फली चिटकने की, जो फूटने की, जो भी बोलते हैं जिस एरिया में, वो समस्या बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। और आप देखोगे कि इसके अंदर 4 दाने की फलियाँ भी दिखाई देती है। 3 दाने की तो होती ही है, पर 4 दाने की भी होती है। कुछ इस तरह इसके फलियाँ, अब मैं जब इन फलियों को तोड़ रहा हूँ तो भी ये खुद ब खुद नहीं चटक रही है। यानी कि इसके अंदर फलियाँ चटकने की कोई समस्या तो दिखाई देती ही नहीं है। शानदार वैरायटी है। इस वैरायटी को किसान साथियों आपने भी लगाया, आपको कितना उत्पादन मिला हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। वैरायटी कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं। RVSM 1135 सोयाबीन वैरायटी कुछ इस तरह खेत पर दिखाई दे रही है। खेत में खड़ा हूँ तो मुझे लग रहा है कि नहीं, वाकई वैरायटी है, खेत में दम है, दिल में सुकून जैसा महसूस होता है।
ऐसी वैरायटी, जब ऐसी फसल जब खेतों पर हो जाती है तो किसानों को बहुत सुकून महसूस होता है। अच्छा, किसानों को अच्छा उत्पादन लेने के लिए काफ़ी हद तक वैरायटी पर डिपेंड रहना पड़ता है। जब सोयाबीन की बुआई करते हैं हमें उसी समय सोच लेना चाहिए कि वैरायटी कैसी होनी चाहिए, ऐसी वैरायटी हो जो हमें अच्छा से अच्छा उत्पादन दे सके। उसी की तरह ये वैरायटी आज देख रहे हो RVSM 1135, इसका उत्पादन अच्छा से अच्छा मिलता है। किसान साथियों, इसकी वैरायटी का उत्पादन लेने के लिए हमें बस इसके बीज, सबसे मेन बात है इसका बीज दर हमें कम डालना है। जब इसका बीज दर अगर हम कम डाल देते हैं तो समझो इसके अंदर आपने कितनी दवाई डाली, कितनी मेहनत करी, उन सब के बाद भी ये बहुत कम से कम मेहनत में भी ये सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। क्योंकि ये रोग प्रतिरोधी किस्म है, इसका तना बहुत मजबूत है, इसकी ज़मीन से ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इसको हार्वेस्टर से काटने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं। आप देख सकते हो कितना ऊपर जाके इसकी फलियाँ लगी है इस तरह। किसान साथियों, मेरे द्वारा बनाया हुआ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दूसरे किसान मित्रों को शेयर भी कीजिए ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।